नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ किचन यूटिलिटी स्टोरेज हॉल. सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट से. तो जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है, मैंने ये सिरेमिक के बहुत ही क्यूट से जार्स मंगवाए हैं. लुक एट द क्यूटनेस ऑफ दीज जार्स. ये कितने सही लग रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा प्यारा है एंड एकदम वाइब्रेंट से कलर्स हैं. बहुत ही पेपी लग रहे हैं ये. इनफैक्ट मैं कुछ इसमें स्टोर ना भी करूँ ना, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहता है तो यूजुअली चीजों में फंगस लग जाती है. अचार वगैरह में तो फंगस लग ही जाती है मेरे घर पे. तो अगर मैं वो नहीं भी करूँ ना, तो मैं नॉर्मल से पानी भर के मनी प्लांट लगा सकती हूँ या कहीं पर भी इसको यूज कर सकती हूँ. ये इतने ज्यादा क्यूट है एंड ये दो के सेट में आए थे. तो एक तो ये ऐसा बर्न्ड ऑरेंज एंड ब्राउनिश काइंड ऑफ अ कलर है एंड एक ये मस्टर्ड येलो कलर है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग क्वालिटी, बहुत अच्छी पैकेजिंग में मेरे पास आए थे. कोई कंप्लेंट्स नहीं है मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में. मतलब जैसे ही मैंने इसको देखा ना खोल के, जितने ये पिक्चर में लग रहे थे उससे ज्यादा बेटर ये रियल लाइफ में लग रहे थे. सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. आज जो सेकंड प्रोडक्ट है, विक्की मुझसे बहुत दिनों से बोल रहा था कि उसको क्रशर चाहिए, क्रशर चाहिए, क्रशर चाहिए. भगवान जाने उसको क्यों चाहिए, पर उसको क्रशर चाहिए था. तो हम जब भी मॉल्स में जाते थे, होम सेंटर में जाते थे या वन स्टॉप में जाते थे, तो वहाँ के जो क्रशर्स थे वो सब वही 999, 699 से कम में वो क्रशर्स मिलते ही नहीं थे. मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव लगता था मुझे, क्योंकि पता है विक्की हफ्ते में एक दिन किचन में घुसता है, उसके लिए इतना महंगा प्रोडक्ट लेना मुझे वर्थ नहीं लग रहा था. फिर मुझे मीशो में ये क्रशर देखा. सो अब मैं आपको इसकी बेस्ट पार्ट बताती हूँ. नॉर्मली जो क्रशर्स आते हैं ना, उनमें इस तरह का केस नहीं होता है. तो क्या है ना, यहाँ पर ये रहा क्रशर. आप जब इसको यूज करेंगे, चाहे आप इसको ऐसे ऐसे भी रख देंगे ना, तो भी क्या होता है कि नीचे बहुत सारा वो जो भी आप क्रश करते हैं वो सब नीचे फैलता है. तो इसको आप इस तरह से बंद करके रख दीजिए, तो ना तो ये क्रशर लग रहा है, ये क्यूट सी जार, स्टोरेज जार बॉटल लग रही है एंड दिस इज ऑफ ग्लास. बहुत ही सही डील में मिला है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी में है. मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे ये. तो ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट. ये मंगवाया है 3 रोटी रखने वाले जो क्लोथ होता है ना, उनका सेट. मैं अभी इनको ओपन करके देखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इनको ओपन करके भी नहीं देखा था. तो मैं काफी दिन से सोच रही थी कि अच्छा सा कुछ ये जो रोटी रखने के क्लोथ होते हैं वो ले लेंगे, सो दैट यू नो हम इतना ज्यादा जो टिश्यू पेपर वेस्ट करते हैं वो ना करें. सो ये वॉशेबल क्लोथ्स हैं. आप चाहें तो नॉर्मल टोकरी में भी रख सकते हैं एंड आप इसको यू नो रख के, रोटियां रख के ऐसे कवर कर दीजिए. तो ये इससे जो रोटियां हैं वो गर्म रहती हैं, ठंडी भी नहीं होती हैं. बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लोथ नहीं है, बट आई कैन वर्क विथ दिस. मतलब ये ठीक लगा मुझे. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, विश की कॉटन होता, पर ये कॉटन नहीं है, बट ठीक है, आई कैन वर्क विथ दिस. अब आते हैं मेरी फेवरेट प्रोडक्ट के ऊपर. तो हम लोगों को ग्लास जार्स चाहिए थे, आप बोल सकते हो स्नैक्स के लिए या जो भी. हम लोगों को जैसे ऐसे हम ट्राई कर रहे थे कि चलो मंगवा के देखते हैं कैसे क्वालिटी में आता है एंड ये है ग्लास जार्स. लुक एट द क्वालिटी एंड एवरीथिंग. ये इतने ज्यादा हैवी मटीरियल में है. आप इसका थिकनेस देखिए, जो ग्लास है ना इसका आप थिकनेस देखिए कि कितना ज्यादा है. तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे मिले हैं. ये मैंने 2 का सेट मंगवाया है. अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ. इमेजिन विक्की को इतना ज्यादा पसंद आया कि विक्की मुझे बोल रहा है कि ऐसे और मंगवा लो. हम लोग पल्सेस स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इनको. बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लगे. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दीज जार्स आर कि ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं वो स्टोरेज कंटेनर्स मंगवाए हैं. तो मैंने ये अपने लिए नहीं मंगवाई, मैंने किसी और को गिफ्ट करने के लिए मंगवाए हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं आई है. तो मैं एक पैकेट जो है वो रिटर्न करने वाली हूँ और एक अपने पास रखने वाली हूँ. तो पहले मैं जो अच्छे आए हैं उनको दिखा देती हूँ आप लोगों को. सो ये है 4 का सेट, इस तरह के कंटेनर्स हैं. एक सेकेंड, जो ओपन वाला है ना वो बताती हूँ. तो ये ऐसे 4 का सेट का कंटेनर है. मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये कंटेनर एंड डेफिनेटली ये जो कंटेनर्स आए ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आए. इनका जो कैप है ये आई थिंक 1000 ml कैपेसिटी वाला है. तो आप अपनी पल्सेस रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ओवल और ये जो इस तरह के शेप में जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये जगह बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, जबकि जो जगह है वो यूटिलाइज हो जाती है. ये एक के ऊपर एक स्टैक भी बहुत आराम से हो जाते हैं. ये देखिए किस तरह से स्टैक भी हो सकते हैं अगर आपके यहाँ स्पेस है तो. कंटेनर नंबर 1 जिस जो 4 का सेट आया है, मैं आपको पूरे इसमें बताती हूँ. ये है 4 का सेट आया है. तो ये लिड्स वगैरह बहुत अच्छी है. तो जिनको मुझे देना है मैं ये वाला पैकेज तो गिफ्ट कर ही दूंगी, बट आई विल नॉट गोइंग टू गिफ्ट दिस अनदर 1. इसको मैं रिटर्न करने वाली हूँ. तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. इसका जो कहाँ गया, इसका जो लिड है ना, ओ माई गॉड,
दिस इज अ स्ट्रगलिंग लिड, मतलब ये लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है. मेरे को लगा शायद मेरे से नहीं लग रहा था, मैंने विक्की को बोला इसको लगा के दिखाओ, विक्की से भी नहीं लगा. मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगा शायद फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम होगा. मैंने सेकंड वाला ट्राई किया, सेकंड वाला अगेन लग ही नहीं रहा, इतना स्ट्रगलिंग है भाई. सामने वाले की ना खाना बनाने की इच्छा खत्म हो जाएगी अगर उसको इस तरह की लिड्स मिल जाएगी तो इसलिए ये वाला जो है वो मैं रिटर्न कर दूंगी. एंड ये हैं बहुत अच्छे, अगर ये रिटर्न करके ऐसे ही मुझे दूसरे अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे ना तो आई विल गोइंग टू कीप दिस. क्योंकि ये देखिए ये स्टैक बहुत अच्छे से हो जाते हैं एंड आप इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं और ये किचन में लगते बहुत अच्छे, एस्थेटिक लगते हैं. ये थी मेरी कुछ शॉपिंग एंड आई होप आपको पसंद आई होगी. ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से परचेस करे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेक जरूर करिएगा. एंड उस लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड कैशबैक मिलेगा. तो जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं कैटलॉग में गो थ्रू करिए, सारे कैटेगरीज देखिए. मीशो का कैटलॉग बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत वास्ट है, काफी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आते हैं या तो वो आप खुद शॉपिंग कर लीजिए एंड या फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं. जब आप उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो क्या करेंगे, आपको कैसे आपको प्रॉफिट होगा, तो आपको उसमें मार्जिन ऐड कर लेना है. सपोज आपने खरीदी कोई चीज 50 रुपए में, आप सामने वाले को भेजेंगे बेचेंगे 80 रुपए में, तो वो जो 30 रुपीज है ना वो आपका मार्जिन हो गया एंड इसी तरह से आपको प्रॉफिट होगा. एंड इसी तरह से मीशो वर्क करता है. सो ये इंडिया की लार्जेस्ट रीसेलिंग ऐप है और बहुत सही तरीके से काम करती है. आपको कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी रिटर्न इन सबका कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मीशो खुद देखता है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा. सो ये ट्राई जरूर करिएगा एंड या दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.